मौत आएगी। एक ना एक दिन ऐसा समा आएगा फिर परमेश्वर नाम दे विच तेरा मन भी लग जाएगा। आज का उन तो एक रस है समझ रखो चीत, कह नानक राम पजले जात अवसर बीत। समत बतीत उदा चला जा रहा है। तेन परमेश्वर ने चैतन सत्ता दी है, उस परमेश्वर को चेतने कर चेतना है तो चेतल है। निस दिन मैं प्राणी, रात है दिन है, ते तू रात दिन नु क्यों बतीत कर रहे हैं? रात जिस हो गए दिन करे काम। एक
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗੇ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਜੀ ਜੁਨੇਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸੀਮਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਜੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Thank you.
Thank you.
ਸੁਣੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਣੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਣੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਿ ਰਹੇ।
Thank you.
ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰਾਂਗੇ
जय 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 जय
मन पारे परोवर
जिंदगी बख्श करके संसार के प्रक्रिया से मालिक मन उस बख्श की हुई श्वासा होती को भी हो गया इस संसार में अनुदा कर उसके चरना चल रहे आज आपके सारे भुगना भी प्रवाह के जन्म सूर्य रिश्तेदार गुना विदान स्नेह खन वाले सिंह गुरु चरणा ग्रंथ की गुरबाणी की कुंडली शब्द राय अपने सच्ची अति सच्ची श्रद्धा की जिनके उस पिछड़ी ही हाथ पर मैं पेट कर रही हूँ उसके बाद गुरु चरणा की अरदास करनी है कह कबीर सुनो रे सब तो ठीक ठीक कर दे आपकी बार बख्श कर दे तो आपकी तरह हो गम सर्व करो उस सच नानक होशी भी सच अनंत श्री विभूषित अनंत 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 कोटि नायक जगदाधार जगदीश्वर प्रभु परमेश्वर दसा पातशाही अध्यात्मक स्वरूप जहरा जहो साहिब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पवित्र पावन हजूरी विच जुड़ बैठी सत संगत फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह पवित्र आत्मा श्री सुंदर लाल जी जुनेजा इन्हां दी सुपरती विच जुड़ बैठे हैं सत्कारयोग भाई साहब शब्द कीर्तन राही विचार दृढ़ करवा रहे सन ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवे तिव हो बना यह संसार परमेश्वर के हुक्म की खेड़ है जीवां का आना जीवां का संसार तो चले जाना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नहीं माया सतगुरु एक वचन कर लगे कह लगे ए तो रचन रचिया करतार आवत जावत हुक्म अपार करतार दी रचना है संसार दे विच जीवा दा आना और संसार तो जीवा दा चले जाना परमेश्वर दे हुक्म दी एक खेल है ज्यो ज्यो तेरा हुक्म तिवे तिव होवना जह जह रखे आप तह जाए खड़ो बना परमेश्वर जिस रंग विच रखे अध्यात्म पुरुष परमेश्वर के हुक्म नु सत करके मनदा सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ने एक विचार दिता कहने लगे इस संसार दे विच मनुख दे अपने हाथ विच कुछ है कहन लगे नहीं अपने हाथ विच कुछ नहीं हुक्मे अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मे जे बुझै ता होमे कह न कोए ये सारा संसार ही उस परमेश्वर के हुक्म दे विच है हुक्म तो बाद ते कुछ भी नहीं और जीव इस गल नू मन ले ते होमे तो ऊपर उठ गया शब्द गायक कर रहे सर भाई साहब क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए किस मौत की गल है शरीर प्राप्ति मौत की आनी है हर एक ओ व्यक्ति जिसनु जन्म मिलिया है उसकी मौत होवेगी जो उपजो सो विनस है पर आज के काल पर इतने जिस मरने की गल की क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए तो कि मौत है मनुख हमका तो ऊपर उठ जाए हमें तो ऊपर उठ जाए परमेश्वर के हुक्म नु सत कर मन ले परमेश्वर के हुक्म दे विच आ जाए मन दे विच निम्रता भाव आ जाए क्या जाना कि वो मरेंगे ऐसी मन की अवस्था बन जाए कैसा मरना होए
इहो जी अवस्था कैसे बने? ऐसी अवस्था का बनेगी जेकर साहेब मनो ना विसरे, जीवन का एक लक्ष्य है उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा चिंतन करना, परमेश्वर दे नाम दी आराधना करनी। उपदेशात्मक वचन है परमेश्वर दे नाम दा सिमरन कर, राम सिमर। जे परमेश्वर दे नाम दा सिमरन नहीं करेगा फिर की होएगा? तेनु जीवन दे विच पश्चाताप होएगा। राम सिमर पछताएगा मन, लोभी जीड़ा फिर न रहत है। राम सिमर पछताएगा मन, ए मन परमेश्वर नाम का सिमरन कर, नहीं तो जीवन विच पश्चाताप होएगा। परमेश्वर नाम की आराधना करनी ही जीवन का एक लक्ष्य है। पही परापत मानुख दे हुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अमर काज तेरे किते नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मनुखा ते ही भी प्राप्ति हुई। एक वचन कहन लगे सतगुरु, कहन लगे मनुखा ते ही दी प्राप्ति दी सार्थकता का है जे तू जीवन विच गुरु दी सेवा कीती, भगति दी कमाई कीती। गुरु सेवा ते भगत कमाई, तब इहमान सुदे ही पाई, इस दे ही को सिमरै देव। इस मनुखा देही दी प्राप्ति लई देवता लोग तरसदे हन, ते तू भागशाली है, तेन मनुखा देही प्राप्त होई। सो देही भज हर की सेव, तेनु मनुखा दे ही प्राप्ति होई, उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाम दा सिमरन कर, परमात्मा दे नाम दी आराधना कर। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का एही लाओ। जीवन विच कर की गोविंद दा भजन कर, परमेश्वर दा सिमरन कर, परमेश्वर नाम दी आराधना कर। भजो गोविंद भूल मत जाओ, तू इस गल विसार छड़िया कि संसार विच क्यों आया हां, संसार विच करना की है? परमेश्वर दे नाम दी आराधना करनी है। पर तू परमेश्वर नाम नु विसर गया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज एक गल कहन लगे हर गुण काहे न गावई, तू परमेश्वर नाम दा सिमरन क्यों नहीं करता? फिर संबोधन किस नाम नाल कीता? जे तू परमेश्वर नाम दा सिमरन नहीं करता, सतगुरु ने संबोधन किया है मूर्ख है अज्ञानी, तू परमेश्वर नाम का सिमरन क्यों नहीं करता? हर गुण काहे ना गावई, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लग के नह मरण पछाना। तू संसार दे विच आके लोभ लालच दे विच फस के मौत नु विसार छड्या, मौत नु भुला छड्या। संसार विच दो चीजां याद करने वालियां हन, एक परमेश्वर दा नाम साडे जीवन विच सानू ना विसरे, ते इक मौत सदा चेते रहे। दोनों दा आपसी परस्पर संबंध नहीं, जे किते सानू मौत ना विसरे ते परमेश्वर नाम अपने आप ही चेता आवेगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहन लगे, आज काल फुन तो है ग्रस है, समझ राखो चीत। हृदय विच केवल इस गल नु समझ ले, अज नहीं ते कल एक ना एक दिन मौत जरूर आनी है। इस संसार विच कोई भी आया, किसी भी रूप दे विच आया, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई वड्डा है, कोई छोटा है, कोई किसी रूप दे विच है। धनवंता अर निर्धन मन ही ताकि कछु न कानी रे, राजा प्रजा सब कर मार है, ऐसो काल बिडानी रे। काल दी ते ऐसी अवस्था है। धन गुरु गोविंद सिंह महाराज ने एक वचन कीता, कहन लगे ब्रह्मा जिसने सारी सृष्टि की सृजना की ना, जदों उसने भी शरीर धारण किया उसने भी काल आया। काल पाए ब्रह्मा बपु धरा, बपु का अर्थ है शरीर। ब्रह्मा ने भी शरीर धारण किया उसने भी मौत आई, काल का स्वरूप आया,
काल पाए ब्रह्मा बप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। इस संसार में कोई भी मौत तो नहीं बच सके यार। आज काल फुन तो है ग्रस है, समझ राखो चीत। जो तो तू एक गल समझ लिया ना कि मौत आएगी, एक ना एक दिन ऐसा समा आएगा, फिर परमेश्वर नाम दे विच तेरा मन भी लग जाएगा। आज का फुन तो एक ग्रस है, समझ राखो चीत। कह नानक राम पजले जात अवसर मीत, समत बतीत उदा चला जा रहा है। तेन परमेश्वर ने चैतन सत्ता दी है, उस परमेश्वर को चेतने कर, चेतना है तो चेतल है। निस दिन मैं प्राणी, रात है दिन है, ते तू रात ते दिन क्यों बतीत कर रहा। रात जिस हो गए दिन कर काम, एक जीवन पा परमेश्वर ने हुक्म नहीं खेल दे। गुरु प्यारे श्री सुंदर लाल जी चुनिंदा, जितना समा परमेश्वर वालों जीवन का बख्शिया गया, जीवन के एक बड़ा सात्विक स्वरूप रखा। परमेश्वर का सिमरन किया, परमेश्वर की आराधना की, सतसंगत की, साध संगत सिमर माधो, इस स्वरूप के उन्होंने अपना जीवन यापन किया। सिमरती गुरु चरणा दे विच अरदास, सतगुरु कृपा करनी, जैसा बचन आपने श्रवण किया, कहत कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो निबेरा, अब की बार बखस बंदे को बहुत न पवजल पीरा। जीवन दे विच आवागमन दे चक्कर तो मुक्ति हो जाए। परमेश्वर मेरी एक बेनती है, मेरी उदासी का, मेरी हताशा का एक कारण है, एक बार ये जीवन मिलिया, एक बार मौत होनी है, एक बार मैं माता के घर विच आया, एक बार इस शरीर नूं अग्नि विच जलाया जाएगा। पर परमेश्वर बार बार गर्भ विच आना और बार बार इस शरीर का दहन किया जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जितने शयनम, जम जम मर मर फिर जमे बहुत सजाए पया देश लमे। परमेश्वर इस अवस्था तो मैं मुक्त कर देव। पवित्र आत्मा की याद विच जुड़ के अज दे इस अरदास समागम दे विच गुरु चरणा विच एहो अरदास, सतगुरु कृपा करनी विछड़ी आत्मा नूं अपने चरणा विच सुदीवी स्थान बख्शना। Yeah.
ਸਗਲ ਸੁਖੋ ਵਡ ਪਾਈਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਰਾਗੇ ਵਾਚੇ ਅਨਹਦ ਦੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਗੁਰੂ ਕਾ
मैं किसी की लंगर की सेवा करा, मैं किसी की चाह की सेवा करा, मैं हरिद्वार साहब जावा, क्योंकि थोड़े दिन पहला सारा परिवार अपने रिश्तेदारी के समेत हरिद्वार साहब जो जाके आया तो उतों के पंडित इस गल की वाही भरते कि उन्होंने आना कई कई दिन साढ़े को बैठना, कई तरह की सेवा करनी, पूर्ण तौर पर जो एक हुक्म है उस तरीके हाजरी लो। बहुत वड्डे सज्जन तुम सारे इतने आए हो। मैं वेख्या कि डॉक्टर साहबान गुरुद्वारे मंदिर के प्रधान साहबान बहुत सारी संगत आए भी है, गए भी ने। मन दे विच कई वारी आउंदा है कि जीवन सफल उस इंसान का है जिहड़ा अपने परिवार वास्ते भी कुछ करे ते दुनिया वास्ते भी कुछ करे, ते जिहड़ा इंसान सिर्फ अपने वास्ते आउंदा उहनूं जिंदगी जीण दा ही मजा नहीं आउंदा। ते गुरु ग्रंथ साहिब सिंह जी एक तां मेरी बेनती है, क्योंकि हर इंसान नूं कम हुंदा, जिहड़ा इंसान कोई बोलण तों पहला जाणा जावे उह खड़ा लंगर छक के जावे। बहुत सारी संगत ने लंगर छकिया, पर लेकिन बहुत सारे सज्जन जिन्होंने अजे नहीं छके, मैं उन्होंने बेनती करना कि तुसी लंगर छक के जाओ। अज मैं उन्होंने भरावां दे नाल, क्योंकि भरा एक वड्डी चीज ने, उन्होंने बेटे मनोज जी, नरेंद्र जी ते सारा ही परिवार, खास करके उन्होंने धर्म पत्नी श्री कृष्णा देवी, क्योंकि बड़ा वड्डा सत्कार मां नूं इस दुनिया ने दिता है। जदों असीं किसे ग्रंथ दे विच वी पढ़दे हां, कथा सुणदे हां, ते पहला मान मां नूं दिता गया। मां ते बाप एक बड़ी वड्डी चीज ने, ते बड़ा वड्डा सत्कार गुरदेव माता, गुरदेव पिता। अज बाप चला गया, बाप की थां दे उत्ते मां की इस घर के उत्ते बहुत वड्डी किरपा है। इस मां ने अपने बच्चों को लैके पोते पोतियां तक बहुत वड्डा एक प्यार ते सत्कार बनाया, क्योंकि ऐसा निघा परिवार है। जे मैं कहां तो मेरी अजे उम्र देख लो कितनी कौड़ी है, तो मेरे रिलेशन को 30 साल हो गए, मेरे बाप के रिलेशन बड़े पुराने। मैनू याद है कि जिन्होंने इन्होंने अज तक यारी लाई कभी इन्होंने छड़ी नहीं। डॉक्टर प्रोति जी का हस्पताल मेरे उत्थे पंप के कोल हुंदा सी, फस्ट हस्पताल इन्होंने बनाया सी गुरु नानक हॉस्पिटल तो बाद इन्होंने उत्थे सेवा शुरू की सी। उस दिन तो यह नरेंद्र होनी, मनोज होनी उन्होंने नाल जुड़े ने। हुण भावें वड्डा हॉस्पिटल बन गया, भावें छोटा हॉस्पिटल इत्थे हुण छोटा कहण लग पए असीं उहनूं, पर शहर च लीडिंग हॉस्पिटल जिंदे नाल जुड़ना, उहदी मदद करनी, अद्धी रात वाले रोड पैदे ते पहुंच जाना, यह परिवार का गुण है। तुसी सारे जने आशीर्वाद देण आए हो, मैं तुहाडा कोट कोट धन्नवाद करदा परिवार वल्लों, ते गुरु महाराज दे अगे अरदास करदा कि सच्चा पातशाह चढ़दी कला बख्शे इस परिवार नूं, जिस तरह सेवा च लग्या होया, कारोबार बहुत चंगे ने, यह सारा आशीर्वाद बुजुर्गां दा। अज साडे विच जिथे बहुत वड्डा दुख श्रीमती कृष्णा देवी जी नूं पहुंचिया, उत्थे मनोज जडेजा जी जिहड़े वड्डे बेटे ने, नरेंद्र जडेजा जी, रुपेश जडेजा जी, ते जिहड़े भरा ने इंद्र लाल जडेजा जी, वेद प्रकाश जडेजा जी, भुपिंदर पाल जडेजा जी, ते साडी भैण सीमा, उन्हां दे साढ़े सन्ने ला मिले हो रही जी, यह सारा परिवार तुहाडा कोट कोट धन्नवाद करता कि तुसी बड़ी वड्डी कृपा की, इस परिवार को आशीर्वाद दिता। भावें संस्कार बना दिन सी, भावें घर दे विच समागम चलते रहे, भावें हरिद्वार गए, भावें इत्थे दा अज हो रहा, तुसी बहुत वड्डी कृपा की, इहदे नाल बहुत ज्यादा दुख इस परिवार का कटिया। जदों सज्जन आशीर्वाद देण ते दुख वड्डे वड्डे टल जाते ने, दुख आउंदे ने, अरदास हुंदी है, जिवें इन्नी संगत अरदास दे विच शामिल होई है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਕੱਢੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਨਾਥਾ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਾਸਤੇ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ਼ਟ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਜਿੰਦਾ ਕਲਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਜਿਤ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸੱਜੀ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ
हाँ जी केदा उथे रख के गया भाजी भारी चार्जर दोनों बैटरी भी नाल ही उथे रख के गया हाँ जी अगर उसता जी मैं मजाक कह दो करना पहले दसो फिर गल करी है नहीं मैं भाजी मैं दसो मैं कह तो मजाक करना पहले दसो एक मिनट ओके ओके Thank you.